हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने वाला हूं कि झारखंड पेट्रोल सब्सिडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो उसके लिए राशन कार्ड डालना है, फिर आपको जो भी आपका आधार कार्ड टाइप है वो टाइप करना है, और पासवर्ड में आपको डालना है ये राशन कार्ड में जो मुखिया है उनकी आधार नंबर आपकी आई डिजिट, फिर आपको ये कैप्चर बटन ये कैप्चर करना है दोस्तों। उसके लिए ये जैसे ही आप इंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आता है, जिसमें आप देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यह सारा इसमें डिटेल आपका आ जाता है। फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि सबसे नीचे से थर्ड में आपको व्हीकल अपडेट ले देता है। तो जैसे वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको एक इंटरफेस खुल करके आपके पास आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट मेंबर में जाना है। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आपको कोई भी एक नाम चूज करना जो आपके नाम से हो, फिर वो इंटर करने के साथ ही या कुछ इस तरह का फेस खुल करके आता है। फिर आपको आधार नंबर टाइप करना है और वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अपना। जैसा कि मेरा यहाँ पे टाइप हो गया है, मैं आगे देख सकता हूँ वेरीफाई करके क्या आता है। तो देखिए इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल करके आपके सामने आता है। देख सकते हैं सिलेक्ट मेंबर में आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मेरा वसीम है तो मैं वसीम टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे गेट OTP पे जाना है, तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा। फिर आपको व्हीकल नंबर पे जाना है, व्हीकल नंबर आपको टाइप करना है। फिर आपका तो व्हीकल ओनर नेम एज पर ऑनर बुक, जब ऑनर बुक पे नेम है वो नेम को डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना टाइप करना शुरू कर देता हूँ। आपका जो भी नाम आप वो नाम आपको डालना है। मेरा नाम यहाँ पे वसीम ही है तो मैं वसीम ही टाइप करता हूँ। उसके बाद रिलेशन जो भी है, फादर है, हस्बैंड है, जो भी आपका आता है वो आपको एंटर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पेज को लाइक कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना टाइप करना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको DL नंबर फिर आगे डालना पड़ेगा। DL नंबर अगर है तो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद ऊपर में जो हम गेट OTP मिला था हमें, वो OTP को हमको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के साथ ही हमको फिर आगे में यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉलम पे एक बॉक्स है, जहाँ उसके बगल में लिखा हुआ है कि मैं घोषित करता हूँ या करती हूँ कि उपरोक्त वाहन का प्रयोग मेरे द्वारा झारखंड राज्य के अंतर्गत किया, मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ मेरे संज्ञान से सत्य एवं पूर्ण सही है। कोई सूचना गलत अथवा असत्य पाया जाता है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई जाता है। फिर आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद ही आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तक।